हेलो एवरीवन एंड आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये ग्लोई लुक इन जस्ट 5 मिनट्स एंड इसके साथ ही मैं आपको आज सिखाऊंगी कि हम घर पे इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर कैसे बना सकते हैं एंड अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं, हमें बाहर के खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लेने वाले हैं एक कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर एंड इसके बाद मैं लेने वाली हूँ अपना होममेड हाइलाइटर। ये भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, इसको मैं लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं कि मैंने हाइलाइटर कैसे बनाया है। तो इस हाइलाइटर को मैं अपने मॉइस्चराइजर के साथ ले लूँगी एंड उसके बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और मिक्स करके तैयार है आपका इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर। और अब इसको मैं अपने फेस पर लगा लूँगी, अपने पूरे फेस पर लगाऊँगी जिससे मेरा पूरा फेस ग्लोई लगे और मेकअप ड्यूई ग्लोई बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। एंड अब इसको लगाने के बाद मैं अपने पूरे फेस पे इसको स्प्रेड कर लूँ। इसके बाद आप अपनी कंसीलिंग का स्टेप कर लीजिए। वो मेरी क्लिप डिलीट हो गई कहीं से, तो अब ये डायरेक्ट मैं फाउंडेशन पे पहुँच चुकी हूँ और अब मैंने लिया है अपना फाउंडेशन और मैं इसे डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगाने के बाद अच्छे से हर जगह लगाना है अपने फेस पे फाउंडेशन और उसके बाद हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो अब उठा लिया मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर और इसको अच्छे से मैं ब्लेंड करूंगी जब तक फाउंडेशन मेरे स्किन में अच्छे से सीट ना हो जाए। एंड अब हम कर लेंगे अपना नॉर्मल फुल मेकअप, हम अब कर लेंगे अपनी आईज को सेट। इसमें आपको अपने पूरे फेस को सेट करने की जरूरत नहीं है, बट आपकी अगर एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है तो आप जरूर सेट करें पूरे फेस को, बट मैं अपना माउथ एरिया एंड आई एरिया सेट करूंगी सिर्फ। एंड अब मैं अपना पूरा मेकअप लुक कंप्लीट कर लूँगी। इसमें मैंने सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर और मैं इसमें ज़्यादा थिक लाइनर नहीं लगा रही हूँ, लग चुका है। एंड इसके बाद अब मैं लगाने जा रही हूँ काजल, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है काजल, तो मैंने ब्लैक काजल लगा रही हूँ अपनी वाटर लाइन पे। बहुत ज़्यादा अच्छे से लगा लीजिए एंड काजल अच्छी कंपनी का यूज़ करना चाहिए, नहीं तो वो स्मज हो जाता है, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा गंदी लगने लग जाती हैं। एंड देन मैं अपनी आई लैशेज कर्ल कर रही हूँ एंड कर्ल करने के बाद हम उस पर लगाएंगे मस्कारा। अच्छे से मस्कारा का कोट देना है जिससे आपकी आई लैशेज में बहुत अच्छी वॉल्यूम आ जाए एंड वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। एंड आफ्टर ऑल दिस अब टाइम है अपने फेस को एक बहुत ज़्यादा अच्छी शेप देने का। तो मैं कर रही हूँ कॉन्टोर और कॉन्टोर आपके फेस को बहुत ज़्यादा अच्छी शेप देता है, आपके फेस को लिफ्ट अप दिखाता है। एंड अब मैं अपनी जॉय लाइन कॉन्टोर कर लूँगी एंड देन आई एम अप्लाइंग सम ब्लश यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लश का लुक बहुत ज़्यादा नेचुरल आता है, बहुत ज़्यादा। तो अब ये मैं थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने ली है अपनी लिपस्टिक, मेरी फेवरेट न्यूड लिपस्टिक है ये। मैंने बहुत जगह इसके बारे में आपको बताया है, बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूड लिपस्टिक है। इसको मैं अपने लिप्स पे लगा लूँगी। ये मैट लिपस्टिक है तो आपको इससे कैसे सेट करना है वो आपको आगे देखना पड़ेगा। तो ये मैंने अच्छे से लिपस्टिक लगा ली है एंड देन मैं भूल गई थी हाइलाइटर लगाना, तो अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही हाइलाइटर लगा रही हूँ जिससे बहुत ज़्यादा नेचुरल ग्लोई लुक लगे, हमें लगे नहीं कि हमने हाइलाइटर बस ऐसे ही लगाया हुआ है। एंड अब मैंने लगाया है एक ग्लॉस, क्योंकि वो थी एक मैट लिपस्टिक एंड उसके ऊपर एक ग्लोई लुक देने के लिए ग्लॉस इज अ मस्ट। सो दिस इज माई फाइनल लुक एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।